एक बार फिर नगर पालिक निगम भिलाई के सभागार में एक मैराथन बैठक निगम आयुक्त रोहित व्यास एवं निगम महापौर नीरज पाल की उपस्थिति में आहूत की गई, जिसमें शहर के विकास कार्यों एवं शासकीय योजनाओं तक शहर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने प्रयासों को तेज करने के निर्देश दिए गए। नगर पालिक निगम भिलाई के सभागार में प्रत्येक गुरुवार की तरह इस गुरुवार को भी निगम आयुक्त रोहित व्यास एवं निगम महापौर नीरज पाल की उपस्थिति में मैराथन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी जोन के आयुक्त एवं अधिकारियों समेत कर्मचारियों की उपस्थिति में निगम क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई और सभी कार्यों की यथास्थिति जिम्मेदार अधिकारियों से पूछी गई। साथ ही शासन की सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं को निगम भिलाई क्षेत्र के जन जन तक जल्द से जल्द पहुँचाने निर्देशित किया गया, ताकि इन योजनाओं का लाभ निगम क्षेत्र की जनता उठा सके। समीक्षा बैठक को लेकर निगम महापौर ने जहाँ शहर में तेजी से चल रहे विकास कार्यों को इन्हीं समीक्षा बैठकों का असर बताया, तो वहीं नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी द्वारा समीक्षा बैठक में लिए गए फैसलों को विस्तृत रूप से ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को उपलब्ध कराई गई। ये मैराथन कोई आज बैठक नहीं हो रही है, ये सतत एक प्रक्रिया है। हम पूरा नगर निगम के जितने भी अधिकारी कर्मचारी सबकी एक समीक्षा बैठक साप्ताहिक रूप से हर गुरुवार को होती है, जो कि आयुक्त महोदय समीक्षा करते हैं सभी अधिकारियों की, सभी कर्मचारियों की। जो लोग सप्ताह भर नगर निगम क्षेत्र में काम करते हैं, जो शासन की योजनाएं आती है, वो उन सभी योजनाओं की, उन सभी कामों की समीक्षा की जाती है, विकास कार्यों की समीक्षा की जाती है। वो समीक्षा का अर्थ ये है कि हम कितने जल्दी कितना ज़्यादा सुविधाएं लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। अगर कोई कमी है तो इस समीक्षा बैठक में उसको आपस में चर्चा करके देखिए, सभी मुद्दों पर चर्चा हुई और समीक्षा बैठक जो थी वो प्रातः 11 बजे से आहूत थी, जो कि 3 बजे तक चली है। और इस बैठक में जितनी भी योजनाएं थी, फ्लेक्सिप योजनाएं, उनके बारे में चर्चा हुई। निगम में जो काम चल रहा है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क है, उनको लेकर चर्चा हुई है। और जिसमें अभी जो जल भराव के देखते हुए जो बारिश का सीज़न है, मानसून का सीज़न है, उस पर चर्चा हुई है। और इसके अलावा जो सौंदर्यीकरण है उस पर चर्चा हुई है, स्वच्छता संरक्षण पे चर्चा हुई है, वेंडिंग जोन पे चर्चा हुई है। और इसके अलावा जो CCTV कैमरे बाजार क्षेत्रों को व्यवस्थित करना, उस पर चर्चा हुई है। इस प्रकार से रोड, नाली, सड़क और बिजली सभी को लेकर जो निगम क्षेत्र में जितने भी मूलभूत सुविधाएँ हैं उनको लेकर चर्चा हुई है। स्मार्ट टॉयलेट को लेकर चर्चा हुई, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं तारामंडल जैसे बनाए जा रहे हैं उनको लेकर चर्चा हुई है। रीपा की तर्ज पर अर्बन कॉटेज बनाया जाना, उसको लेकर चर्चा हुई है। इस प्रकार से जो जितनी भी CM घोषणाएं थी, विधायक निधि, सांसद निधि के कार्य, पार्षद निधि के कार्य और जो निगम के द्वारा संचालित जितनी भी योजनाएँ हैं उनको लेकर भी चर्चा हुई है। और माननीय आयुक्त महोदय ने कहा है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, जैसे रोड सड़क के काम है, उसको बारिश से पूर्व यानी 15 जून से पूर्व 100% कंप्लीट करना है। जिस पे निविदा प्रक्रिया जारी नहीं हुई है उसमें निविदा प्रक्रिया करना है। जो प्रारंभ कार्य है उनको प्रारंभ करना है, जो प्रारंभित प्रगतिरत काम है उनको पूर्ण करना है। इस प्रकार से तमाम जितनी भी कंस्ट्रक्शन वर्क है उनको सभी को 15 जून के पूर्व कंप्लीट करने के निर्देश माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा दिए गए हैं, जिनको समय सीमा निर्धारित है। और इसके अलावा सभी जोन कमिश्नर को अपने अपने क्षेत्रों में उनके जो फील्ड हैं उनके कर्मचारियों की मीटिंग, रिव्यू मीटिंग लेने के निर्देश भी माननीय आयुक्त महोदय ने दिए हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भिलाई निगम क्षेत्र में लगातार विकास की गंगा बह रही है और निगम क्षेत्र के सभी रहवासियों की जहाँ शिकायतें दूर हो रही हैं, तो वहीं उनके मांगे भी पूरी होती नजर आ रही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।